बाजार में मिलने वाले आटे में और बाक्षी ऑर्गेनिक से मिलने वाले आटे में क्या अंतर होता है? बाजार में जब भी आप आटा खरीदने के लिए जाते हैं तो आटा गेहूं से बनता है और वो गेहूं जिस वक्त खेत में उगता है उसमें भयंकर केमिकल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का उपयोग होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, एक साल के अंदर आप जितना आटा खाते हैं उसको उगाने में 70 किलो यूरिया का इस्तेमाल हो जाता है। इतना भयंकर यूरिया केमिकल DAP और पेस्टिसाइड हम अपने बच्चों को खिलाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो स्वस्थ हो जाएंगे। इसी जहरीले गेहूं को मिल में भेजा जाता है और वहां पर जाकर जब इसकी ग्राइंडिंग की जाती है तो इतनी तेज रोटेशन के ऊपर इसकी ग्राइंडिंग होती है जिसमें गर्मी के कारण गेहूं के अंदर उपलब्ध सारे विटामिन मिनरल्स और प्रोटीन नष्ट होने लग जाते हैं। ये गेहूं का आटा जब निकलता है तो कंपनियां उसमें से चोकर या ब्रांड को अलग कर लेती है जिसको अलग तरीके से वीट ब्रांड के नाम से बेचा जाता है और आपको जो आटा मिलता है वो बेहद पतला होता है जो शरीर में जाकर आसानी से पच नहीं सकता और उससे बनाई हुई रोटी मैदे के समान लगती है। ऐसा आटा जब किसी पैकेट के अंदर पैक होता है तो भयंकर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल होता है क्योंकि आप तक पहुंचने में उस आटे को कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग जाएगा। आप खुद सोच कर देखिए, बड़े बड़े मॉल्स में जाकर हम 3-3 महीने 4-4 महीने पुराना ऐसा बासी प्रिजर्वेटिव से और पेस्टिसाइड और यूरिया से बना हुआ आटा अपने बच्चों को खिलाते हैं। सुबह से शाम तक ऐसा आटा खिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। अब भी समय है पास के ऑर्गेनिक स्टोर में जाके ऑर्गेनिक सर्टिफाइड आटा लेकर आए। ऐसा आटा जो ऑर्गेनिक सर्टिफाइड होता है उसकी गेहूं वो देसी होती है, जिस गेहूं के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती, वो हाइब्रिड नहीं होती, वो GMO बीज से नहीं बनी होती, इसलिए सेहत के लिए काफी लाभदायक होती है। ऐसी ऑर्गेनिक गेहूं जब खेत में उगती है तो यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता। जब वो जाकर फैक्ट्री में पिसती है तो ग्राइंडर के अंदर इतनी धीरे धीरे पीसा जाता है ताकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बरकरार रहे। जब उसको निकाला जाता है तो उससे चोकर को अलग नहीं किया जाता, इसलिए ऐसा आटा काफ़ी मोटा होता है। और ऐसा निकलने वाला आटा अगर किसी ऑर्गेनिक स्टोर से आपको फ्रेश उपलब्ध हो जाए तो इससे बेहतरीन चीज़ नहीं हो सकती। तो अपने परिवार को अगर ऐसा गेहूं का आटा आप खिला ही रहे हैं तो कम से कम ऑर्गेनिक सर्टिफाइड आटा ही खिलाएं। ऑर्गेनिक सर्टिफाइड देसी गेहूं का आटा अब बाक्षी पर उपलब्ध। भारत वंदे मातरम।